दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ कई बड़े नेताओं को लेकर आए हैं और माना यह जा रहा है कि चुनावों से ठीक पहले उनका भाजपा ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी के साथ आगे बढ़ते, एक जमाने में प्रियंका गांधी के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी बात कह दी है। प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राहुल गांधी के कहने पर प्रियंका गांधी के कांग्रेस की सियासत में आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस के लिए चुनाव नतीजे बुरे आते हैं तो 4 जून के बाद पार्टी के भीतर दो गुट बन जाएंगे, राहुल और प्रियंका गांधी खेमे के नेता अलग अलग हो जाएंगे। ये बातें पहले भी उठती रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का।